मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। UPSSC ने काफ़ी इंतजार के बाद दिया है ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट। ट्यूबवेल ऑपरेटर में कौन कौन बच्चे सफल हुए हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था वो सभी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर जनरल में कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं, OBC में कितने सफल हुए हैं, SC में कितने सफल हुए हैं, ST में कितने सफल हुए हैं, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। साथ साथ आपकी कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ कितनी गई है ये भी हम बिल्कुल ऑफिशियली दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसी में आपकी कट ऑफ भी क्लियर कर दी गई है कि आपकी जो है कट ऑफ कितनी गई है। चलिए देखते हैं रिजल्ट किस तरह से आया है। देखिए भाई, 27 जून का PDF है, बिल्कुल आज ही रिजल्ट आया है। आयोग के विज्ञापन संख्या 15/3/2016 नलकूप चालक सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत नलकूप चालक के 3210 पदों के सापेक्ष चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु अभिलेख परीक्षण हेतु गोपन अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 419 बटे गोपन अनुभाग 1/5/2019 दिनांक 27/6/2019 द्वारा आहर्त घोषित 3210 अभ्यर्थियों, जिनमें जो है 2322 अभ्यर्थी जनरल के हैं, OBC के 252 हैं, अनुसूचित जाति के 423 हैं और जो अनुसूचित जनजाति के 203 जो अभ्यर्थी हैं का परिणाम प्रकाशित किया गया है। मतलब जितनी वैकेंसी उतना रिजल्ट। तो यहाँ पर आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रहा है, इसके बाद आपको कुछ नहीं है, केवल आपकी जॉब लगने जा रही है यहाँ पर। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है भाई वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए कुल 129 के पदों के सापेक्ष 38 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही सफल पाए गए। मतलब 129 पद थे और 38 ही केवल यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध हो पाए हैं। अतः भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अवशेष 91 पदों पर मूल मेरिट से अन्य अभ्यर्थियों को आहर घोषित कर दिया गया है। मतलब इन पदों को भी भर दिया गया है सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, मतलब जनरल OBC SC ST के द्वारा इनको भी फिलअप कर दिया गया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने कहा है यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त परिणाम से संबंधित अभ्यर्थी की मार्कशीट अभिलेख परीक्षण के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्तांक हेतु अलग से प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप RTI नहीं लगा सकते कि आपके कितने नंबर आए हैं। इन्होंने कहा कि जब आपके जो है अभिलेखों का सत्यापन हो जाएगा उसके बाद इस काम को भी कर दिया जाएगा कि आपके प्राप्तांकों की बिल्कुल यहाँ पर आयोग द्वारा दिखा दिया जाएगा। आयोग के परीक्षण उपरांत आयोग की बैठक दिनांक 27/6/2019 को लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए अर्थ अभ्यर्थियों का परिणाम अनुमोदित किया गया है। ठीक है जी। और नलकूप चालक का लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए अर्थ अभ्यर्थियों का परिणाम 13 प्रश्न तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 421 गोपन अनुभाग 1/5/2019 दिनांक 27/6/2019 के अनुसार अंतिम कट ऑफ पृष्ठ 1 पर अंकित है। तो 13 पृष्ठों पर यहाँ आपका रिजल्ट है और उसके बाद जो है एक पर जो है क्या है भाई यहाँ पर कट ऑफ है। तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व के जितने भी बच्चे जनरल के हैं उनके लिए है पद का नाम ट्यूबवेल ऑपरेटर है और यहाँ पर जो है सभी के नंबर दिए गए हैं जो भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 2322 कैंडिडेट ये सेलेक्ट हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखा जाए अनरिजर्व के ही ये चल रहे हैं। अनरिजर्व के बाद आ जाएगा आपका OBC का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अनरिजर्व के समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये 2322 कैंडिडेटों के रोल नंबर। उसके बाद देखें यहाँ पर इन्होंने दिया है SC के, फिर SC का नंबर दिया है यहाँ पर। SC के बाद में इन्होंने दिया है यहाँ पर देखें ST के, ये कैंडिडेट जो हैं आपके ST के सफल पाए गए हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये OBC के हैं। तो यहाँ पर सभी का इन्होंने बारी बारी से रिजल्ट दे दिया है और यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेखों को सत्यापन परीक्षण किए जाने हेतु उक्त अभ्यर्थियों को आहर्त घोषित किया गया है। मतलब ये पाए गए हैं भाई चयनित। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ चुका है आपका कट ऑफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। पहले विज्ञापन संख्या और किस पद के लिए है, नलकूप चालक के लिए सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत विज्ञापित नलकूप चालक पद का
लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए आहर्त अभ्यर्थियों का कट ऑफ क्या है भाई? यहाँ पर देखें, जनरल की अगर बात करें तो 39.5 कट ऑफ गया है, और डेट ऑफ बर्थ मतलब यहाँ तक इन्होंने बच्चे लिए हैं 14 जनवरी 1992 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अनुसूचित के मतलब एससी की बात करें तो 33.5 है, और 20.11 जो है मतलब 20 नवंबर 1994 को इनकी डेट ऑफ बर्थ रही है। और अगर एसटी की बात करें तो 11.0 ही इनका कट ऑफ गया है, और 3 जुलाई 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ रही है। और अन्य वर्ग के हेतु आरक्षित सभी 252 पदों पर इस श्रेणी के 36 आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी आहर्त पाए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी इन्होंने कट ऑफ नहीं खोली है, केवल ये बताया कि इतने अभ्यर्थी ही केवल योग्य पाए गए हैं। 36 आरक्षण की अगर बात करें, यहाँ पर महिलाओं की जो कट ऑफ गई है वो गई है भाई 13.5, ठीक है जी। और ये गई है 9 अगस्त 1993 इनकी जन्मतिथि रही। स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो 27 कट ऑफ गई है, 30 जनवरी 1996 इनकी कट ऑफ रही। भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 0.5, मतलब पहले ही इन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर सभी सफल भी नहीं पाए गए हैं। तो जब सफल ही नहीं पाए गए, इसका मतलब उनके निगेटिव में चले गए होंगे नंबर, तो यहाँ पर केवल 0.5 पर इनकी कट ऑफ है। और 2 जनवरी 1980 इनकी जो है क्या रही है भाई, डेट ऑफ बर्थ रही है। ये सारी चीज़ देने के बाद उन्होंने कहा, संगत शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार सभी श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में समाहित किए गए हैं। मतलब अगर आप जनरल में एससी ओबीसी या एसटी जा रहे हैं तो उन्हें जनरल में ले लिया गया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखा दी है। आगे इन्होंने दिया है भाई, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सारी चीज़ें देखने के बाद 9/1/2007 के अनुसार राजकीय लोक सेवा और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमान्य आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही दिया गया है यहाँ पर। और अगर अन्य बातों में देखा जाए तो 11/5/2015 के नियम 8.2.4 के अनुसार यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा, और यदि दो या दो से अधिक के बराबर अंक हैं तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान रखा जाएगा जो आयु में ज्येष्ठ है, मतलब जो बड़ा है उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। तो ये पूरा पूरा का पूरा जो है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट रहा है आपके सामने, हमने सारी चीज़ों को ओपन किया है। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।